न्यूटन्स लॉ में अभी तक हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीखा तथा लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ सीखा जो फोर्स का डेफिनेशन था, और फिर थर्ड लॉ सीखा जो कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में हमें जानकारी देता है। इन तीनों पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल जो स्टेटमेंट्स थे उनको भी सुना और लिखा और समझा। अब क्वेश्चंस पे उतरते हैं ताकि उसको अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन और क्लियर होता है। मैंने पहले भी कहा था कि न्यूटन्स लॉ में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बेस है, पूरे फिजिक्स का बेस है। ये चैप्टर बिगड़ गया तो फिजिक्स का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खोने लगता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, पहला सवाल एकदम। हमारे पास एक सरफेस है, उस पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, हमने एफ फोर्स अप्लाई किया है। बिल्कुल सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ मास एम गिवेन जो फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू जीरो। न्यूटन का अब किसी क्वेश्चन करने के लिए अपन स्टेटमेंट से यूज करते हैं, सिस्टम आइडेंटिफाई करना। ब्लॉक के बारे में डिस्कस हो रहा है तो ब्लॉक ही हमारा मेन कंसर्न है। फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, एफ फोर्स लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। बनाया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, एम मास है, एफ फोर्स लग रहा है, एमजी लग रहा है नीचे की तरफ और नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। देखिए न्यूटन्स लॉ में कोई सा भी क्वेश्चन हो, एक आप तो नारा टाइप का समझ लो कि न्यूटन्स लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, आंसर लेके आएंगे, सिंपल। तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फोर्सेस बनाए, न्यूटन्स लॉ लगाया, एमजी इज इक्वल टू एन। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जो है वर्टिकली बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। ये पहली क्वेश्चन है जो कि ऑब्वियसली यूजलेस है। जो मेन कंसर्न का है वो ये है कि ये एफ फोर्स जो है, दिस एफ जो एफ फोर्स है, दिस एफ इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। यानी एफ इज इक्वल टू दिस एम इंटू ए ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहां से आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ अपॉन एम, एफ वेक्टर अपॉन एम। ये पहला सवाल था जो कि बहुत ईजी था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो ब्लॉक्स हैं, एक M1 मास का है, दूसरा M2 मास का है। दोनों को ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रिंग लगा रखी है। स्ट्रिंग अपन मान रहे हैं कि द वेट ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम, और इस पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है। अब इसमें आपसे दो तीन चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज ये है कि व्हाट आर द एक्सेलरेशन ऑफ दिस एम वन एंड एम टू ब्लॉक। दूसरी चीज है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो न्यूटन्स लॉ के सवाल में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, तब आंसर आएगा। तो इस M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, हम सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को बना रहे हैं, यहां पे उन्हीं फोर्सेस पे इक्वेशन लिखेंगे जो हमारे कंसर्न के हैं। MG नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, पर ये हमारे किसी कंसर्न का नहीं है। F फोर्स आगे लग रहा है और पीछे की तरफ टेंशन T लग रहा है। ये पहले ब्लॉक पे इक्वेशन हुई। दूसरे ब्लॉक पे इक्वेशन कैसे बनेगी? M2 मास है, टी टेंशन लग रहा है आगे की ओर, एम टू जी नीचे लग रहा है और एन टू जो है ऊपर लग रहा है। ये हमारे फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए। अब इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन्स लॉ का। ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर है, इससे हमें कोई भी आउटकम नहीं मिलने जा रहा है अनटिल अनलेस क्वेश्चन पूछा ना हो। इसको कैरी करने का कोई फायदा नहीं है। अपन एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एफ आगे की तरफ लग रहा है माइनस टी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए साइन के हिसाब से बहुत कुछ चेंज करेगा। न्यूटन लॉ क्या कहता है? समेशन एफ ऑल इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू इट्स एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे
फोर्स का समेशन क्या है एफ माइनस टी, बॉडी का एक्सेलरेशन अपन ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम वन इंटू ए। अब जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा वही इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितने चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस स्ट्रिंग में डिस्प्लेसमेंट में चेंज आने लगेगा, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे, तो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग की डिफिनेशन ही होती है कि स्ट्रिंग का लेंथ कॉन्स्टेंट होता है, मतलब ये इससे एम वन से ये एम टू बंधा हुआ है, तो एम टू की मजबूरी है कि वो उसी एक्सेलरेशन चलेगा जिस एक्सेलरेशन से M1 चलेगा, या फिर यू कहें कि M1 की मजबूरी है कि उसका वही एक्सेलरेशन हो सकता है जो M2 का हो सकता है। इसको अपन और डिटेल में कॉन्स्ट्रेंट मोशन में भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन A है, तो इसका भी एक्सेलरेशन A होगा, क्योंकि दोनों आपस में बंधे हुए हैं। इसका प्रूफ आपको कॉन्स्ट्रेंट मोशन में और डिटेल तरीके से मिल जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई जो काम की है। दूसरी इक्वेशन अपन लगाते हैं, टी एक ही फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू एम टू इंटू ए। ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, टी और ए अननोन है, सॉल्व कर लेंगे दोनों की वैल्यू आ जाएगी, एफ माइनस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन ए, यहां से आपका ए का वैल्यू आ गया एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, और यहां से फिर आपका टी की वैल्यू आ गई एम टू एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल था, हमने कुछ नहीं किया यार, फोर्सेस को डिस्क्राइब किया उसके फ्री बॉडी डायग्राम में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन थी उसके अलोंग हमने न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाई, दो इक्वेशन बने, दो अननोन था, सॉल्व हो गया। न्यूटन्स लॉ में इन जनरल मैं कहता हूं कि अगर आपको फोर्सेस के बारे में आइडिया नहीं है तो जो इक्वेशन लिखते वक्त कंसर्न्ड इक्वेशन लिखते वक्त जो जो फोर्सेस सामने आ रहे हैं आपको लगता है आपको मानना पड़ रहा है किसी एक अदर फोर्स को, आप मानो और बढ़ो और डिफरेंट डायरेक्शंस में न्यूटन्स लॉ लगाओ, आपको हर डायरेक्शन के अलावा एक एक इक्वेशन मिलेगी, और मैं गारंटी देता हूं कि वो सारे अननोन फोर्सेस आपको एक फिक्स्ड वैल्यू दे के जाएंगे। जैसे हमने टी माना, हमें नहीं पता टी की वैल्यू क्या है, लेकिन हाँ ये स्ट्रिंग था तो टी टेंशन लगेगा, तो हमने टी माना और आगे बढ़ गए। सिमिलरली यहां टी माना और आगे बढ़ गए, तो हमें एक अलग वैल्यू अपने आप में मिली। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे, बट फिलहाल एक इजी क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे। इजी क्वेश्चन ये है, जैसे पहला सवाल आपने देखा था बिल्कुल सिंपल था, उसी टाइप का सवाल है बिल्कुल। ये M है, M मास का ब्लॉक है, थीटा एंगल पे F फोर्स लग रहा है, ठीक है, और गिवन क्या है, जो F है ना दैट इज लेस देन mg, तो यू हैव टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी ऑफ मास M। इस M मास के बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे करेंगे, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एम मास था, नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। अभी एफ है ना, एफ किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इस एफ के अपन दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, पहला एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, कर सकते हैं ना दो कंपोनेंट, तो इसको दो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। इधर की तरफ क्या लगेगा, एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर हम वाई एक्सिस के अलावा न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। ये ब्लॉक रुका हुआ है ना, अब एफ साइन थीटा कभी भी एमजी के बराबर नहीं हो सकता है, और नॉर्मल जो है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है,
इसलिए एफ थीटा एफ साइन थीटा और नॉर्मल मिलके एमजी के बराबर होंगे. तो पहली क्वेश्चन है यहां से आपको नॉर्मल की वैल्यू मिल जाएगी. दूसरी क्वेश्चन एक्सेलरेशन के लिए एम इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट. एफ नेट कितना है एक्स डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा. एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा अपॉन एम. ये आंसर है.